साल 2020 की शुरुआत चंद्र ग्रहण के साथ होगी। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 10 जनवरी को लगने वाला है। इस बार का ये चंद्र ग्रहण रात 10:37 से शुरू होगा, जो कि रात में 2:42 पर खत्म हो जाएगा। ये चंद्र ग्रहण लगभग 4 घंटे से अधिक का होगा। इस ग्रहण को अपने देश भारत में भी आप देख सकेंगे। इस बार के ग्रहण पर अद्भुत संयोग बन रहा है, क्योंकि जहां 10 जनवरी को साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो वहीं इस दिन पौष पूर्णिमा व्रत भी है। जैसा कि सबको पता है कि हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बड़ा महत्व माना जाता है। हिंदू ग्रंथों में पौष पूर्णिमा के दिन दान, स्नान और सूर्य देव को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। पौष पूर्णिमा के दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है। विद्वानों के मुताबिक पौष माह सूर्य का कहलाता है। ऐसे में रात्रि को चंद्र ग्रहण लगने से व्यक्ति पर सूर्य और चंद्र दोनों की कृपा होगी। पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है, लेकिन खास बात यह है कि इसी दिन चंद्रमा पर ग्रहण भी लग रहा है, जिसके बाद ये नज़ारा और भी अद्भुत हो जाएगा। वहीं साल का पहला चंद्र ग्रहण पूर्ण नहीं होकर उपछाया ग्रहण होगा, जिसमें चांद पूरी तरह नहीं छिपता है। 10 जनवरी को चंद्र ग्रहण के साथ पौष पूर्णिमा पड़ने की वजह से इस दिन ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान दान करना बेहद शुभ होगा। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव 29 फरवरी तक देखने को मिल सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पर्यावरण पोस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।